इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहला T20 मुकाबला जो है वो ग्वालियर क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और वहां का पिच रिपोर्ट क्या है, कैसा है माहौल, पूरी डिटेल आप लोग को देंगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुकाबला जो है आप लोग को जियो सिनेमा पे देखने को मिलेगा और मुकाबले की जो स्ट्रीमिंग टाइमिंग रखी गई है वो 7 बजे से रखी गई है। टॉस जो है वो 6:30 तक हो जाएगी, अभी तक तो 7 बजे ही बताया जा रहा है, लेकिन वैसे दरअसल जो T20 मुकाबले होते हैं वो 30:30 यानी 7:30 बजे से होते हैं, 7:30 से होते हैं, लेकिन अभी जो टाइमिंग बताई गई है वो 7 बजे ही बताई गई है और जियो सिनेमा आप लोग देख पाएंगे। चलिए पिच रिपोर्ट की ओर बढ़ते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आखिरकार पिच रिपोर्ट कैसा है, क्योंकि मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है, पहला T20 मुकाबला है। लेकिन वहीं ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वहाँ पे आज तक जो है वो कोई भी इंटरनेशनल मुकाबला जो है वो खेला नहीं गया है। वहाँ इंटरनेशनल आप लोग कह सकते हैं ये पहला इंटरनेशनल मुकाबला होगा जो खेला जाएगा इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के बीच में। और वहीं पिच जो है वो लाल मिट्टी से पिच बनाया गया है और पिच लगभग 9 पिच है वहाँ पर, 9 पिच है, लेकिन वहीं जो मुख्य पिच है, जो बताया जा रहा है कि मुख्य पिच है, वो बताया जा रहा है कि इसमें आमतौर पर खासतौर पर बल्लेबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, बल्लेबाजी को मदद मिलेगी। वहीं गेंदबाज में स्टार्टिंग में जैसे कि पावर प्ले होगा ना, तो स्टार्टिंग में जो है वो तेज़ गेंदबाजों को मौका मिलेगा, स्टार्टिंग में तेज़ गेंदबाज गेंदबाजी करेंगे, विकेट लेने में सक्षम होंगे, लेकिन वहीं पावर प्ले के बाद जो है वो बल्लेबाजों को मौका मिलेगा और बल्लेबाज जो है अच्छे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, बल्लेबाज जो है वो रन बनाएंगे और आप लोग को बीच में आप लोग को मध्य क्रम में लास्ट में आप लोग देखेंगे कि स्पिन गेंदबाज को भी मौका मिलता है, लेकिन तेज़ गेंदबाज को जो है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा, यहाँ पर तेज़ गेंदबाज को ज़्यादा विकेट मिलने की जो संभावना है वो बताई जा रही है। अगर हम लोग वेदर रिपोर्ट की बात करें, वेदर कंडीशन की बात करें, तो बारिश जो है बारिश नहीं होगी और मौसम जो है साफ़ रहेगा और मुकाबला जो है पूर्ण रूप से होने की संभावना है कि मुकाबला पूर्ण रूप से हो जाएंगे, पूरा मुकाबला जो हो जाएगा, बारिश जो है खलल नहीं डालेगा, क्योंकि आप लोगों ने टेस्ट मुकाबले में देखा होगा कि किस प्रकार से जो है बारिश ने मुकाबले में खलल डाल दी थी और मुकाबले कम कम ओवर के कराए गए थे, लेकिन फिर भी जो है नतीजा निकल गया था, टीम इंडिया जो है मुकाबले जीत गई थी। वहीं अगर इंडिया वर्सेज बांग्लादेश दोनों हेड टू हेड बात करें तो टीम इंडिया का जो पलड़ा है वो भारी है, टीम इंडिया जो है वो काफ़ी सारे मुकाबले जो है वो बांग्लादेश से आगे है। और वहीं ये जो मुकाबला है इंडिया वर्सेज बांग्लादेश का, ये काफ़ी रोमांचक मुकाबला होगा, अगर टीम इंडिया जीतती है उस मुकाबले को और इस सीरीज को जीतती है तो क्लीन स्वीप करके जो है बांग्लादेश की टीम को वापस भेजेगी टीम इंडिया, क्योंकि टेस्ट में तो टीम इंडिया क्लीन स्वीप कर चुकी है, 2 मुकाबले खेले गए थे, दोनों मुकाबले टीम इंडिया जीत गई है। और वहीं जो है 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे जिसमें से पहला मुकाबला जो है ग्वालियर में खेला जाएगा, तो ग्वालियर के लिए भी टीम इंडिया पूर्ण रूप से तैयार है।